नमस्कार, किचन रेंज में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में बात करें, वैकेंसी आई है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कि कटरा जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से वैकेंसी आई है। और इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाले, इंटरव्यू बेसिस पे पोस्टें हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें हैं, और टेक्निकल और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इसको हम कवर करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें प्रोफेसर की दो वैकेंसी है, कैटेगरी भी गिवन है राइट साइड में, तो आप देख लीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। और इसका जो लिंक है, इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, गूगल से भी आप जा सकते हैं। तो देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में, असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 वैकेंसी है, कैटेगरी इधर दिया है, तो आप देख लीजिएगा, पॉज करके भी देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखें तो प्रोफेसर की 2 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की 3 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की 2 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंग्लिश में प्रोफेसर की 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखें, प्रोफेसर की 2 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की 2, असिस्टेंट प्रोफेसर की 5 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिज़ाइन में देखें तो प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। इसमें मैथमेटिक्स में प्रोफेसर की नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसी। अगर कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो आप जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है। और जो आउट ऑफ जेंड के हैं, उनको शायद जनरल ट्रीट किया जाएगा इस वैकेंसी में, इसको पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन। और क्वालिफिकेशन इसमें गिवन है। एनर्जी मैनेजमेंट में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है। फिर प्रोफेसर की देखें तो बिजनेस में 1 वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्रोफेसर की 3 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। फिलोसफी एंड कल्चर में देखें तो प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी जो है, तीनों डेजिग्नेशन को मिला के 79 वैकेंसी है। इसमें पे लेवल यहाँ गिवन है, देखिए 14, 13A और लेवल 10 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। जो लेवल 10 वाला है 57,700 बेसिक होगा इसमें, फिर 14 वाला जो है 144,000 बन जाएगा सेवन पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और देखिए, यहाँ पे आपको सेमी फर्निश्ड फैकल्टी क्वार्टर भी मिलेगा, और सैलरी नॉर्म्स जो है गिवन है। फिर उसके बाद आपके चिल्ड्रेन को भी अलाउंस वगैरह मिलेंगे, आपको चिल्ड्रेन एजुकेशन के लिए, जो आपके बच्चे हैं यानी जो लोग इसमें अपॉइंट होंगे उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इसमें सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पैसा मिलेगा। मेडिकल अलाउंस वगैरह जो है इसमें आपको मिलेगा, और जो नॉर्म्स होने वाले क्वालिफिकेशन के, ICTC के अकॉर्डिंग इसमें नॉर्म्स हैं, UGC और COA के अकॉर्डिंग इसमें आपकी क्वालिफिकेशन नॉर्म्स गिवन है, इसको पढ़ लीजिएगा। PhD मांगा गया है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, और इसमें देख लीजिएगा अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह। देखिए, जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, डेट जो है 15 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, और ये 5 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। और इसमें जो आपको हार्ड कॉपी जो है, जो आपका एप्लीकेशन का, उसको ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ सेंड करना है गिवन एड्रेस पे। इसी में वो एड्रेस दिया गया है, 16 अक्टूबर तक आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए आपकी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें नीचे गिवन है एड्रेस। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि नेम ऑफ़ द पोस्ट आपको एनवेलप पे ऐसे लिखना है, फिर नेम ऑफ़ द स्कूल लिखना है, फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी और डेट भी आपको डालनी है, जो एप्लीकेशन आप हार्ड कॉपी सेंड करेंगे बाय पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से। कुरियर से इसमें एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, सो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और गुड लक, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।